हमारे देश में आमतौर पर बॉडी बिल्डिंग को पुरुषों का ही खेल समझा जाता है, खास कर भारत जैसे देश में जहां महिलाओं के लिए बॉडी बिल्डिंग जैसे खेल स्वीकार नहीं किए जाते और इन्हें गलत समझा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद बॉडी बिल्डिंग भारत में बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए खेलों में से एक है, और इसी के साथ महिलाएं भी बॉडी बिल्डिंग में एक अपना अलग मुकाम बना रही हैं और भारत का नाम रोशन कर रही हैं। फिलहाल भारत में महिलाओं का एक छोटा सा तबका ही है जो इस खेल से जुड़ी हुई सोचों में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, और वे इस खेल में सम्मानजनक नाम कमा कर अभी तक समाज में चल रहे कुछ नियमों को तोड़ने में कामयाब भी रही है। इन फीमेल बॉडी बिल्डर्स ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस वीडियो में हमने इन फीमेल बॉडी बिल्डर्स के पिछले एक साल के अचीवमेंट के बेसिस पर ये लिस्ट तैयार की है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हो गए, यानी बहुत अच्छे हो गए। तो हमेशा की तरह इस वीडियो से पहले, अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यास्मीन मान, चंडीगढ़ की रहने वाली यास्मीन मिस इंडिया डबल्स और मिस एशिया चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारत की एकलौती महिला है। बचपन में यास्मीन एक दवाई के साइड इफेक्ट के कारण काफी बीमार पड़ गई थी। उनके बाल तेजी से झड़ने लगे थे और उनके बदन पर निशान पड़ गए थे, जिसके कारण वो बाकी की लड़की के मुताबिक कम खूबसूरत दिखने लगी थी। डॉक्टरों ने उन्हें एक्सरसाइज करने की सलाह दी और यास्मीन ने मसल्स बनाने की ठान ली और वे बॉडी बिल्डिंग की राह पर बढ़ गई, और आज के समय में ये हर लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। यही नहीं, इन्होंने अपना एक जिम भी खोला हुआ है जहां वे लड़के और लड़कियों दोनों को ही फिट रहने के लिए ट्रेन करती है। श्वेता राठौर भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने उज्बेकिस्तान में हुए एशिया चैंपियनशिप कप में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। श्वेता राठौर एक भारतीय बॉडी बिल्डिंग मॉडल भी है। ये पहली ऐसी महिला है जिन्होंने भारत की तरफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता था। इसके अलावा फिटनेस फिजिक 2014 में मिस वर्ल्ड भी रह चुकी है और 2015 में मिस एशिया भी बन चुकी है। करुणा वाघमारे, मिस इंडिया फिटनेस टाइटल जीत चुकी करुणा स्वामी ने 46वें एशिया बॉडी बिल्डिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और चीन में हुई फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा करुणा ने कर्नाटक के बिदर में बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था। दीपिका चौधरी, अगर आप ये सोचते हो कि मसल्स और ऐब निकालना सिर्फ लड़कों का ही काम है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। सिर्फ 30 साल की दीपिका चौधरी अच्छे अच्छे लड़कों को इस मामले में पीछे छोड़ देती है। दीपिका भारत की एक ऐसी महिला है जिसने अमेरिका में इंटरनेशनल फिटनेस कॉम्पिटिशन में भाग लिया था और इसमें अवार्ड भी अपने नाम किया। दीपिका ने ऐसे बहुत से कॉम्पिटिशन में भाग लिया है जैसे द बैटल ऑफ बीच के नो वॉइस और ओपन क्लास में और लॉडरेल कप 2014, और इनमें गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। ममोटा देवी, 35 साल की ममोटा देवी भारत की पहली और बहुत समय तक इकलौती ऐसी महिला बनी रही जिन्होंने किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल जीता था। 2011 में अपने पति की मदद से ममोटा देवी ने अपने ट्रेनिंग को सीरियसली लेना शुरू किया और इंटरनेशनल कंपटीशन में भारत का नाम रोशन किया। इसके अलावा भी ममोटा देवी ने 49वें बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है। रेबिटा देवी एक बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी है और ममोटा देवी के बाद ये दूसरी महिला है जिन्होंने 2014 में मुंबई में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप की बॉडी बिल्डिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन इन सब के बावजूद दुर्भाग्यवश इन्हें अपने दोस्तों और राह चलते लोगों से बुरे और भद्दे कमेंट सुनने को मिलते थे। अश्विनी वास्कर, सिर्फ 2 साल पहले अश्विनी वास्कर एक साधारण महिला थी जो एक सामान्य जिंदगी जी रही थी, और इन्हें पहली बार जिम जाने की जरूरत तब पड़ी जब इन्हें महसूस हुआ कि ये मोटी होती जा रही है। लेकिन सिर्फ 1 साल के समय में ही इस 32 वर्षीय महिला ने लगभग जादुई तरीके से अपने शरीर की काया पलट कर ली थी, और ये यही तक नहीं रुकी, आज ये इंडिया की पहली स्पोर्ट्स वुमेन बन चुकी है। अश्विनी वास्कर की ये कहानी बहुत सी महिलाओं को प्रेरणा देती है। सोनाली स्वामी एक वेल सर्टिफाइड जुम्बा और बाको इंस्ट्रक्टर है, और इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित किया है कि आज के समय में बॉडी बिल्डिंग सिर्फ मर्दों का ही खेल नहीं रहा। सोनाली के 2 बच्चे भी हैं और ये बखूबी अपने फैमिली के साथ अपने कैरियर को भी संभाल रही है। सरिता देवी, मणिपुर की फीमेल बॉडी बिल्डर सरिता देवी ने चीन में साल 2014 में हुई 48वीं फिजिक स्पोर्ट चैंपियनशिप में भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया था। किरण डेम्बला,
आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि ये फिटनेस ट्रेनर पहले एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर रह चुकी है और बाद में प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनिंग की दुनिया में आ गई, जहां आने से पहले महिलाएं कई बार सोचती है कि इसे अपना कैरियर बनाए या नहीं। प्रेजेंट में 41 साल की किरण यूरोप में होने वाली वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।